अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हो, ये चारों तरफ पूरा कोहरा छाया हुआ है, फोग है। ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सोची आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। काफ़ी ठंडी थी हमारे गांव में। आप सूरज देख सकते हो, बिल्कुल नुक्ते के बराबर दिख रहा है। अब ये दोपहर का टाइम है, हम निकल चुके हैं बाहर। ये मेरी ननद का घर है और ये इनके आंगन का है, जिसमें ये पेरू का झाड़ लगा हुआ है और काफ़ी पेरू इसमें है। अमरूद जिसे कहा जाता है, गुआवा, और ये अभी कच्चे हैं, इसे थोड़ा टाइम लगेगा तब ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इसे एक महीने का और टाइम चाहिए और काफ़ी मीठे और बहुत मज़ेदार होते हैं। मैंने खा चुकी हूँ। और इनके आंगन में काफ़ी फ्रूट्स के और वेजेस के लगे हुए थे। और ये पपैया है, ये भी अभी कच्चे हैं, इसमें भी काफ़ी फल आए हुए हैं। ये फूल है ऊपर पपैये का, अभी इसमें भी और फल आना बाकी है। और ये मेहंदी का झाड़ है, इसमें गन्ना भी लगा हुआ है साइड में। इन्होंने अपने आंगन में बहुत सारे फल फ्रूट सब लगा के रखे हुए हैं और सीज़न के हिसाब से सारे फल आते हैं। अब ये इनके बैक साइड में है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये तालाब है, इसी में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और ये है बेल का झाड़, जिसमें काफ़ी बेल आई हुई है और ये काफ़ी बड़ी है। और ये अभी कच्चे हैं, इसे भी 1 से 2 महीने का वक्त चाहिए। ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और बहुत मीठे होते हैं। ये गांव में इसका बेल का शरबत भी बनाया जाता है, गर्मी के वक्त इसे पिया जाता है। इससे काफ़ी ठंडक मिलती है हमारी बॉडी को। और ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ बोया था, पालक शायद है। और ये इनका तालाब है, ये इस साइड में, इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं। और ये डक है, यहाँ तैर रही है। ये आसपास में सारी बकरियाँ, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। चारों तरफ आँखों पे हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, दिल खुश हो जाता है। देखिए, छोटा सा एक झोपड़े टाइप में इसे बनाया गया है। ये भी आम का दरख्त है ये, और यहाँ इनके साइड में ही ये लौकी का झाड़ लगाया गया था। देखिए कितनी प्यारी सी इसमें लौकी आई हुई है, छोटी छोटी लौकी भी है। और ये कितनी प्यारी सी ये बड़ी लौकी है, इन्होंने अभी एक दिन पहले ही एक लौकी कट करके निकाल के उसकी सब्ज़ी बनाए थे। और ये इनका आंगन है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने से, हर तरफ खुला खुला। अब ये चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे भी इनका आम का दरख्त है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना है ये दरख्त। इसमें काफ़ी आम के आम आते हैं इसमें। और ये यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसमें लहसुन प्याज वगैरह बोया जा रहा है। अभी ये इस वक्त बोया जाता है, ये 2-3 महीने में एकदम अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने भी बोए हुए हैं। ये देखिए, ये प्याज है और आगे की तरफ कोतमीर का है। और ये अभी 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ये आगे की तरफ, ये हमारे घर के कुछ लोग फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दूसरी तरफ हम लोग आ चुके थे, तो ये यहाँ पे ये धान है, ये चावल का है। अभी ये कटाई का टाइम है, इसे पूरा कट करके उसे सुखा के उसमें से मशीन में उसको चला के धान निकाला जाएगा। और ये कड़ी पत्ता था, थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता भी निकाल लिए। अब ये हम नाना के घर पे आ चुके हैं, तो ये नाना के घर पे ये बैंगन का झाड़ है। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बैंगन हैं, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बैंगन के फूल भी इसमें आए हुए हैं, अभी बैंगन, काफ़ी बैंगन इसमें आ रहे हैं। ये कितना प्यारा सा फूल है और कितने छोटे छोटे से बैंगन हैं। और ये देखिए, बहुत प्यारा है। इसी तरीके से मैंने छोटी छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी, मैंने सोची आप लोगों के साथ ये सब शेयर किया जाए, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे भी है पीछे की तरफ ये बैंगन, और फूल इतने प्यारे से है। और उनके पास ये मिर्ची का पौधा भी था, इसमें काफ़ी मिर्ची आई हुई थी और काफ़ी मिर्ची इन्होंने तोड़ के इस्तेमाल कर चुके थे। ये मिर्ची का फूल है, देखिए इसमें काफ़ी मिर्ची के फूल भी आ चुके हैं। 10-15 दिन के लिए हम लोग गए थे गांव, लेकिन अभी बिल्कुल मन नहीं था वहां से आने का, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सब था इसलिए आना पड़ा।
बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए और बहुत अच्छा लगा। गांव की बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए जो मेरे घर के पीछे से मैंने आप लोगों को दिखाई दी है, नींबू का झाड़ है, तो उसमें हम नींबू तोड़ने के लिए गए, उन्होंने हमें नींबू तोड़ के दिए। बहुत अच्छे नींबू थे और इतने बड़े बड़े कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये लेमन ही है। देखिए मैं अभी आपको आगे कट करके भी दिखाऊंगी, देखिए कितना बड़ा नींबू है ये। बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें 4 से 5 बहुत सारे नींबू दिए, इसके पहले भी दे चुके थे। देखिए इतने बड़े बड़े लेमन है ये, जिनके घर में ये लेमन का झाड़ था बहुत अच्छे थे वो, जब उनसे मांगो तब वो बहुत सारे लेमन दे देते थे। अब ये देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ, देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ना संतरे के जैसा, लेकिन बहुत अच्छा था ये और काफ़ी रसदार था। अब ये शाम का वक्त हो चुका है तो ये थोड़ा सा सूरज का वीडियो ले लिए हैं ढलते वक्त का, बच्चों ने काफ़ी मस्ती करें इंजॉय करें। तो अब शाम का वक्त हो चुका था, खाना वीना खाने के बाद में हम लोग, काफ़ी ठंडी लग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना चूल्हा जलाया जाए और उस पर चाय बनाया जाए, तो हमने कुल्हड़ वाली चाय बनाना स्टार्ट करे। अब देखिए आगे आगे कितना मज़ा आता है। तो ये जो पहले कुल्हड़ था तो इसको मैंने तंदूर में इसमें रख दी हूँ ताकि इसमें अच्छे से ये जल जाए और इसका स्मोकी फ्लेवर हमें चाय में मिले। तो मैंने सबसे पहले ये पतीली रख दी और इसके आजू बाजू मैंने तेल लगा दी ताकि जो उसका चूल्हे का जो आग का कालापन होता है वो उसमें ना लग जाए, तो ये इस तरीके से लगाने से अच्छा होता है। तो मैंने पतीली में ये दूध डाल दी, कैटरा पैक का मैंने दूध इस्तेमाल करी थी क्योंकि गांव में थोड़ा दूध मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये मैंने चीनी अपने हिसाब से डाल दी हूँ, मैंने 5 से 6 चम्मच डाली हूँ और चाय पत्ती को 3 टेबल स्पून डाली हूँ, अच्छी काफ़ी कड़क थी ये चाय पत्ती। और इसमें मैंने 2-3 इलायची डाल दी थी। और अब हमारा स्टार्ट होता है चूल्हा जलाना। तो जब चूल्हा जलाने की बारी आई तो हम सब बिगनर थे तो जला रहे ये हो ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम के बाद चूल्हे में आग जली। तो फिर ये अब थोड़ी देर इसको लगा पकने के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद में ये फिर चूल्हा बुझ गया, फिर हम सब परेशान हो गए और एक बार तो मेरी चाय उबल भी गई थी, फिर चूल्हा बुझ गया। तो ऐसे थोड़ा इंजॉय हुआ, मस्ती करें, बहुत मज़ा आया। तो अभी मेरी चाय थोड़ी पक चुकी है फाइनली, तो काफ़ी मेहनत के बाद में तो हमने ये बना लिए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी चाय हमारी बन के तैयार हुई थी, बहुत मज़ेदार थी, टेस्ट में तो लाजवाब थी। आखिरकार इतनी मेहनत से जो बनाया गया था और इतने लोगों ने मिलके बनाए थे चूल्हे पे, तो अब ये मैंने इसे निकाल दी हूँ और इसे मैं थोड़ा सा फूंक के इसके ऊपर का जो भी है इसे निकाल दूँगी। और मैंने इसे पतीली में रख दी हूँ और अब ये चाय को मैं इसमें डाल के इसका स्मोकी फ्लेवर ले लूँगी। बहुत टेस्टी थी, यकीन मानिए आप चूल्हे पे नहीं बना सकते हो तो आप गैस पे ही बना के ट्राई करिए, लाजवाब थी बहुत ज़्यादा। और उसका टेस्ट तो अभी तक मुंह में है, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जो मैंने इसमें भी ऐड कर ली हूँ, तो ये सब तो नॉर्मली ये सबके साथ होता है।